जापान जो है वो मेनली चार आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। सबसे ऊपर होकाइडो, फिर होनशु, शिकोकू और क्यूशू। होनशु जो कि सबसे बड़ा आइलैंड आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर में है, इसी पर ही स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम विश्व के प्रमुख द्वीप से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में करेंगे। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। मैप में आप देख लीजिए, ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ पे है ग्रीनलैंड, आप रेड कलर में देख रहे होंगे, जो कि डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होनशु द्वीप पे है जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का मैप देखिए आप यहाँ पे, जापान जो है वो मेनली चार आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। सबसे ऊपर होकाइडो, फिर होनशु, शिकोकू और क्यूशू। होनशु जो कि सबसे बड़ा आइलैंड आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर में है, इसी पर ही स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद ऑरेंज कलर में जो आइलैंड है वो है क्यूशू, और क्यूशू पर ही शहर है उसका नागासाकी। साथ ही साथ हिरोशिमा जो है वो होनशु द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है हिरोशिमा जो कि सबसे बड़े आइलैंड जापान के होनशु पर स्थित है, उसी पर ही है टोक्यो भी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो जो द्वीप है वो एशिया का तो सबसे बड़ा द्वीप है ही, साथ ही साथ हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्न में से किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप जो है वो अमेरिका का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आप देखिए, ये है प्रशांत महासागर जो कि पूरा येलो कलर में आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो है ये प्रशांत महासागर है, और जो ग्रीन कलर में बीच में आप देखिए, ये है हवाई द्वीप, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिड में बिल्कुल स्थित है प्रशांत महासागर के। और साथ ही साथ होनोलुलु जो है वो हवाई द्वीप की राजधानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है डियोगो गार्सिया द्वीप। एक बार मैप में देखिए, ये है इंडिया, और इंडिया जो है इसके नीचे यहाँ पर है हिंद महासागर ये पूरा, और हिंद महासागर में ही स्थित है डियोगो गार्सिया द्वीप। यहाँ पर ब्रिटेन तथा अमेरिका, इन दोनों कंट्रियों की जो आर्मी है वो यहाँ पर रहती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। और देखिए आप कि जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है, क्योंकि जो जावा द्वीप है वो इंडोनेशिया जो कंट्री है इसके बिल्कुल मिड में है जावा द्वीप, इसीलिए इसे हृदय स्थल कहा जाता है इंडोनेशिया का। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। आप देखिए, ये है मैप इंडोनेशिया का, और यहाँ पे आप जितना भी देख रहे होंगे ये छोटे 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 ये सारे आइलैंड्स हैं, और इंडोनेशिया ये कुल 17,000 द्वीपों से मिलकर के ये कंट्री बनी हुई है। ये द्वीप हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर में पूरा फैले हुए हैं, ये है इंडोनेशिया कंट्री। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चतीवु द्वीप। यहाँ पे मैप में देखिए आप, ये है भारत का तमिलनाडु वाला राज्य, और यहाँ पे है श्रीलंका, ऊपर है जाफना। यहाँ पे आप देखिए, ये पाक जल संधि है, और यहीं पर ही ये जो रेड कलर में आप देख रहे होंगे, ये है कच्चतीवु द्वीप। ये जो कच्चतीवु द्वीप को लेकर के विवाद था भारत और श्रीलंका के मध्य, ये 1974 में इसे समाप्त कर लिया गया है। ठीक,
और न्यू मोरे द्वीप को लेकर के जो विवाद था बांग्लादेश और इंडिया के बीच, मोदी जी ने इसको भी पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन जो कंट्री है खाड़ी देश की वो एक द्वीप के रूप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में द्वीपों की सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा महासागर भी है इसलिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि जो मेडागास्कर द्वीप है वो किस द्वीप में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मेडागास्कर मूवी किस किस ने देखी है। ये बहुत अच्छी मूवी है मेडागास्कर, जो कि मेडागास्कर आइलैंड के ऊपर बनी हुई है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप। मैप में देखिए आप, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप और ये पूरा जो हिंद महासागर इतना जो पूरा फैला हुआ है इसमें है मेडागास्कर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि जापान का शहर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूशू द्वीप पर स्थित है जापान का शहर नागासाकी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य अंडमान, जो मिडल अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम द्वीप के बारे में पूछा गया है, तो अंडमान तो होगा नहीं, होगा निकोबार ही। अब निकोबार में कौन सा निकोबार होगा? तो CLG, कार निकोबार, लिटल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो सबसे जो दक्षिणतम होगा वो होगा ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी। इसी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन विश्व के प्रमुख द्वीपों से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।